एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब कि फैमिली रह रही है, छोटा सा रूम है फिलहाल, जैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। आपके घर में कौन कौन? यहाँ तो सिर्फ हमारे बीवी बच्चे हैं। तो आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। धन्यवाद। हम सब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना, अच्छी नौकरी करना और अपने परिवार के साथ हंसना खेलना, ये सब कुछ हम सब के सपने होते हैं और कुछ लोग इन सपनों को जीते हैं। लेकिन इस दुनिया का दूसरा पहलू भी है, ये है उन लोगों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी साफ सफाई में लगा दी। हम उन्हें शायद रोज़ देखते हैं, लेकिन कभी सोचा है उनकी ज़िंदगी कैसी है? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं स्लम में 11-12 साल से हूँ। अब तक तो कोई फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अब फैमिली उमली हो गई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों बच्चों पर भी सब चीज़ पर ध्यान दिया जाए और कोई ऐसी वैसी बात ना हो और ऐसा कोई परेशानी भी नहीं है। सुबह 5 बजे उठते हैं और सुबह में भी फिर 9 बजे तक काम करना, फिर 9 बजे 9:30 बजे आ जाना अपने कमरे पे, फिर शाम को 4 बजे जाना, फिर 6 बजे तक ड्यूटी करनी, फिर 6 बजे के बाद 6:30 बजे लोग कमरे पे आ जाना अपने, फिर 9, 10, 10 या 11 बजे के बीच खाना पीना खा के सो जाते हैं। आपने बताया कि आप ड्यूटी करते हो, तो आप क्या साथ क्या ड्यूटी करते हो? ड्यूटी ये है कि हम सफाई का काम करते हैं सुलम में, बस स्टैंड, HRTC पालमपुर, कूड़ा के ऐसा है। देखो हम सफाई करते हैं तो हम तो भर देते हैं, दुकान वाले तो जैसा मन चाहे वैसे ही नीचे फेंक देते हैं, वो नहीं भरते, उनको भी हमें दिक्कत होती है, तो उसको भी हम नहीं भरना होता, हम खुद फेंकते थे। लोग भी जो बसों में आते जाते हैं वो छिलके वगैरह वो सब नीचे ही ऐसे ही सूट देते हैं नीचे, वो कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई उस चीज़ पर ध्यान नहीं। अगर वो अगर ध्यान दें, डस्टबिन पे अगर कूड़ा डालें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा और आपके लिए भी थोड़ा आसान रहेगा। ऐसा सोचते नहीं, जो कुछ सोचने वाले हैं वो करते भी हैं, पर फिलहाल इतना है नहीं सोचने वाले, जो कि जिस हिसाब से चल रही है सारी सफाई के जितना हम ध्यान देते हैं इतना ही लोग बाग और ध्यान दें तो और सफाई अच्छी रहनी, कोई बीमारी सीमारी से भी बचाव होगा, ये हम सोचते हैं। कि आपके बच्चों की शिक्षा वगैरह कैसे चल रही है? बच्चों की अब तक तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी बच्चों का तो हमने एडमिशन भी नहीं कराया है और फिलहाल अभी काम कर ही रहे हैं, अभी इतनी बचत हुई नहीं है, यहाँ फिलहाल हमारा कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। अभी हमारा लड़की है 3 साल की है अभी, तो हम भी ये सोच रहे हैं कि उससे पहले हमारे भी थोड़ा हिसाब किताब ठीक हो जाए, जो कि हम लड़की का एडमिशन करा दें। और इसके अलावा आप जैसे रहने सहने का आपका ठीक है? रहने का हम बस स्टैंड में ही रूम है तो उसमें ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब कि फैमिली रह रही है, छोटा सा रूम है फिलहाल, जैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। आपके घर में कौन कौन? यहाँ तो सिर्फ हमारे बीवी बच्चे हैं, यूपी में परिवार है, हाँ भेज देते हैं जैसा है, थोड़ा बहुत बच जाता तो भेज देते हैं, फिलहाल अभी इतना थोड़ी दिक्कत होती है। आप क्या वैसे आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहें कि हम सोचते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो ऐसे ही हम पे भी कोई ध्यान दे, जो कि परेशानी ना हो, हमें भी ना हो, खुद को भी ना हो, उस हिसाब से सोच के चलें। अभी तक आपका जो ये पूरा सफ़र रहा है सफाई के साथ, आप जो सफाई करते हो तो ये जो भी आपका सफ़र है उसमें आपको कोई भी एक ऐसी दिक्कत जो झेलनी पड़ी हो, जो आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, या कोई ऐसा हसीन जो भी पल हो आप बता सकते हो, कोई अच्छा या बुरा, मतलब जो आप कभी सोचते हैं कि किसी ने बड़ा अच्छा आपके साथ
ना फिलहाल अभी तक तो ऐसा कि झूठ बोले बुरा नहीं करा है अभी तक किसी ने, और बाकी जैसे भी अपनी मेहनत से जो भी कर खा रहे हैं वो ही ठीक है बस। हाँ उस बात से तो हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत ना है, अभी तक किसी ने ऐसी कोई बात बोली नहीं है, और फिलहाल हम किसी की नूँ भी नहीं है कि हाँ किसी ने कही हो उस चीज़ का हम बुराई वाली बात रखें, जैसा भी है जैसा हम बोल रहे हैं उस चीज़ पर सब ध्यान दें कि अच्छा ही सोचें। जैसे हमने देखा पैसा हमेशा खुशी नहीं लाता, बहुत से अमीर लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुशी और सुकून नहीं पाते, लेकिन देखिए इन व्यक्ति को, इनकी हालत के बावजूद ये इतने खुश थे जब हम इनसे बात कर रहे थे, अपना इंटरव्यू इतनी खुशी से दिया और अपना काम भी इतने प्यार से करते हैं। इनकी बस एक ही चिंता है, इनकी 3 साल की बेटी, ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को स्कूल भेजें और ये ही इनका एकलौता सपना है। इनकी सादगी और पॉजिटिविटी वाकई प्रेरणादायक है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं और इनकी बेटी की पढ़ाई में योगदान देना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, कृपया हमें कॉन्टैक्ट करें और हम आपको इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। मिलके हम इनकी ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं और इनका ये एक छोटा सा सपना पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।